18 जनवरी को लंदन पहुंच जाएगी। इस दौरान ये ट्रेन करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि ये कोई यात्री ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक मालगाड़ी है जिसमें 88 कंटेनर्स लगे हुए हैं। अब आपको इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में भी बताते हैं। ये ट्रेन चीन से चलते हुए पहले कजाकिस्तान पहुंचेगी, फिर रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस होती हुई लंदन के बाकिंग स्टेशन पर पहुंचेगी। यानी इस ट्रेन के रास्ते में जो स्टेशन आएंगे वो शहर नहीं बल्कि देश होंगे। लंदन पहुंचने से पहले ये ट्रेन चैनल टनल से होकर गुजरेगी। चैनल टनल दरअसल समुद्र के नीचे बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये सुरंग इंग्लिश चैनल के नीचे बनाई गई है। इंग्लिश चैनल समुद्र का वो हिस्सा है जो फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करता है। यानी ये ट्रेन लंदन पहुंचने से पहले करीब 50 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे बनाई गई एक सुरंग में भी दौड़ेगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन को ट्रेन के जरिए यूरोप से जोड़ा गया है। चीन की मालगाड़ियों की पहुंच पहले से यूरोप के 14 शहरों तक है। लंदन इस लिस्ट में 15वां शहर होगा। आपको बता दें कि चीन पहले से ही स्पेन के मैड्रिड तक मालगाड़ियां चला रहा है और चीन के यिवू शहर से स्पेन के मैड्रिड तक बने रेल रूट को दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 13,000 किलोमीटर है। चीन यूरोप तक जाने वाले अपने रेल नेटवर्क के जरिए 2200 साल पुराने उस सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है जिसने चीन को उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों में शामिल कर दिया था। चीन इसे आयरन सिल्क रूट कहता है क्योंकि ये सिल्क रूट सड़क के रास्ते नहीं बल्कि लोहे की पटरियों द्वारा चीन को यूरोप से जोड़ रहा है। चीन ने जो मालगाड़ी लंदन की तरफ रवाना की है उस मालगाड़ी में घर का सामान, बैग्स, सूटकेसेस और कपड़े शामिल है। चीन इस ट्रेन के जरिए यूरोप से व्यापारिक फायदा उठाना चाहता है क्योंकि हवाई जहाज के जरिए सामान भेजने में वक्त तो कम लगता है लेकिन लागत बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह समुद्र के रास्ते सामान भेजने में पैसा तो कम लगता है लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लगता है, जबकि ट्रेन के जरिए व्यापार करना हवाई जहाज के मुकाबले सस्ता और समुद्री जहाज के मुकाबले तेज है। इसलिए चीन यूरोप के ज्यादा देशों को रेल नेटवर्क के जरिए अपने देश से जोड़ना चाहता है। आपको बता दें कि सिल्क रूट वो व्यापारिक मार्ग है जिसके जरिए चीन 2200 वर्ष पहले अपना रेशम यूरोप के देशों को बेचा करता था और बदले में उन देशों से सोने और चांदी जैसी वस्तुओं का आयात करता था। भारत भी सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। चीन चाहता है कि वो एक बार फिर इसी व्यापारिक रास्ते का इस्तेमाल आर्थिक तरक्की के लिए शुरू करे। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहा चाइना